Hello everyone, in this video we will see the difference between R plus and W plus mode in file handling. R plus and W plus mode में क्या difference है इसको हम इस video में देखेंगे. Okay, R plus mode opens a file for both reading and writing. जब आप R plus mode में file को open करते हो तो आप इसको read भी कर सकते हो, आप file के previous data को read भी कर सकते हो और आप new data इसके अंदर write भी कर सकते हो. Okay, W plus mode opens a file for both writing and reading. W plus mode में भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को राइट भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो. लेकिन इस W plus mode के में क्या होता है, जब आप फाइल को ओपन करते हो तो जो फाइल का प्रीवियस डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है. तो आप इसके अंदर न्यू डेटा राइट कर सकते हो और न्यू डेटा को ही रीड कर सकते हो. फाइन. Now, R plus mode, it opens the file and places the pointer at the beginning of the file to read. जब आप R plus mode में file को open करते हो तो क्या होता है, आपका जो file pointer होता है वो कहाँ से start करता है, वो आपके file के beginning से start करता है data को read करना. Okay? In case of W plus mode, it deletes all the content of the file and keeps the pointer at the beginning of the file. ये क्या करता है, file का जितना भी content होता है, जब आप file को W plus mode में open करते हो जो प्रीवियस कंटेंट डिलीट हो जाता है और फाइल पॉइंटर कहाँ पे जाके प्लेस हो जाता है, वो फाइल के बिगनिंग में जाके प्लेस हो जाता है. ओके, और अगर आप अब न्यू डेटा लिखते हो तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो फाइल के बिगनिंग से स्टार्ट होगा राइट होना. ओके, नाउ आर प्लस मोड, इफ द फाइल नॉट प्रेजेंट while opening the file in R plus mode, it throws file not found exception. In case of R plus mode, अगर आप फाइल ओपन करना चाहते हो R plus mode में, लेकिन वो फाइल क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है, वो फाइल प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, आपके पास file not found exception या file not found error आ जाएगी. ओके, बट इन केस ऑफ W plus mode, इफ द फाइल इज नॉट प्रेजेंट while opening the file in W plus mode, it creates new empty file. तो यहाँ इस केस में क्या होगा, आपकी एक न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी अगर वो फाइल प्रेजेंट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है और आपने फाइल को किस मोड में ओपन किया है, डब्ल्यू प्लस मोड में ओपन किया है. ओके, R plus mode, you can read the complete file text. R plus mode में जब आप फाइल को ओपन करते हो तो आप फाइल का complete text read कर सकते हो. Fine, okay. और अगर आप फाइल को W plus mode में ओपन करते हो, as opening file in W plus mode deletes the file content, you cannot read the file. लेकिन आप अगर W plus mode में फाइल को ओपन करते हो तो क्या होता है, उसका previous data क्या होता है, delete हो जाता है. तो इस case में आप फाइल को read नहीं कर सकते. Okay, आप फाइल को कब read कर सकते हो, जब आपने new data इसके अंदर एंटर किया है. फाइन, ओके. इफ यू ओपन द फाइल इन आर प्लस मोड एंड ट्राई टू राइट द कंटेंट, इट स्टार्ट्स राइटिंग फ्रॉम द बिगनिंग एंड ओवरराइट्स द ओल्ड कंटेंट विद द न्यू. अगर आप आर प्लस मोड में फाइल को ओपन करते हो, राइट, लेकिन आप कौन सा फंक्शन कर रहे हो, आप राइट करना चाहते हो डेटा को, तो क्या होगा, जो भी आप न्यू डेटा राइट कर रहे हो वो क्या करेगा, प्रीवियस डेटा को ओवरराइट कर देगा. ओके, जितना भी आप डेटा इसके अंदर राइट करोगे वो प्रीवियस डेटा को हटा के उसके प्लेस पर आ जाएगा. Fine, but in case of W plus mode, it deletes all the old content from the text file and saves new text inside the file. क्या होता है, इसका previous data, अगर आपने W plus mode में file को open किया तो previous data completely delete हो जाएगा और आपका new data इसमें आके save हो जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी एक file create करते हैं, text file, right? तो मैंने यहाँ पे लिया text document. Okay, मैं इसको name दे देती हूँ sample. सैम्पल नेम दे दिया मैंने इसको. ओके, लेट अस ओपन इट. यहाँ पे हम एक कुछ डेटा लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग. ओके, डेटा को हम सेव कर देते हैं. फाइन, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी एक फाइल क्रिएट करते हैं, राइट. ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल को रीड कराएंगे जो अभी हमने सैम्पल फाइल क्रिएट की है. तो मैंने यहाँ पे पहले कमेंट दे दिया रीडिंग फाइल इन आर प्लस मोड. ओके, आर प्लस मोड में हम अपनी फाइल को रीड कराएंगे. यहाँ पे एफ मेरा फाइल हैंडल है. ओपन, ओपन के अंदर मैं यहाँ पे क्या दूंगी, फाइल का पाथ दूंगी, रो स्ट्रिंग ले लेती हूँ, इससे मुझे क्या होगा, डबल स्लैश नहीं लगाने पड़ेंगे. फाइन, यहाँ पे मैं फाइल का पाथ ले लेती हूँ, ये मेरी फाइल है, इसको राइट क्लिक किया प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ में जाके आप फाइल का पाथ ले लो, यहाँ से आप फाइल का पाथ ले लो.
कंट्रोल सी आपने फाइल का पाथ ले लिया, ओके, और मैंने यहाँ पे दे दिया कंट्रोल वी अपना फाइल का पाथ, और मेरी मेरी फाइल का नेम क्या है, सैम्पल डॉट txt, राइट। और मैं किस मोड में ओपन करूँगी इसको, आर प्लस मोड में मैं अपनी फाइल को ओपन करूँगी, राइट। यहाँ पे आर प्लस मोड में क्या कर रहे हैं, हमने फाइल को ओपन किया है टू रीड द डेटा, फाइल का डेटा रीड करने के लिए। प्रिंट करा दो, प्रिंट एफ डॉट रीड, रीड फंक्शन से हम फाइल को रीड करेंगे, ओके, एफ डॉट क्लोज, ओके। नाउ आई विल सेव माय फाइल, इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको हम कोई भी नेम देते हैं, F1 मैंने इसको नेम दे दिया, लेट अस सपोज, ओके। नाउ अब इसको हम करेंगे रन, फाइन। यहाँ पे आपकी फाइल देखो, यहाँ पे आपका डेटा आ गया, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, रीड हो गया आपका डेटा, फाइन। यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो ये हमारी फाइल है, इसमें क्या डेटा है, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, और कर्सर कहाँ है आपका, इन द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। यहाँ पे अगर आप दोबारा से रीड कराओगे डेटा, तो ये दोबारा से यहाँ से रीड करेगा, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके। तो जब आप आर प्लस मोड का यूज़ करते हो, तो आपकी जो पॉइंटर की पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, पॉइंटर आपका होता है एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल, ओके ओके। अब आर प्लस मोड में हमने क्या किया है, अपनी फाइल को रीड कराया, फाइन। अब अगर मैं क्या करती हूँ, डब्ल्यू प्लस मोड का यूज़ करती हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया डब्ल्यू प्लस मोड, फाइन। डब्ल्यू प्लस के अंदर मैंने यहाँ पे कर लिया डब्ल्यू, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डब्ल्यू प्लस मोड में अपनी फाइल को क्या करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ और डेटा रीड कराना चाह रही हूँ, फाइन। अब देखो, यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, ओके, एंड सेव करने के बाद आप इसको रन करोगे। रन करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, रन करने के बाद देखो, अगर आप अब अपनी फाइल को ओपन करोगे, लुक एट दिस, तो आपकी पुरानी फाइल ओपन है, अगर मैं अब इसको ओपन करती हूँ, तो इसका डेटा क्या हो गया, इसका डेटा मेरा इरेज हो गया है, क्योंकि जब आप डब्ल्यू प्लस मोड में फाइल को ओपन करते हो रीड करने के लिए, तो उसका प्रीवियस डेटा क्या होता है, इसका प्रीवियस डेटा इरेज हो जाता है, ओके, आप इसको रीड नहीं कर सकते हो, ओके, इसका जितना भी प्रीवियस कंटेंट है वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो अब मैं क्या करती हूँ, दोबारा से इसमें डेटा राइट कर देती हूँ, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके। मैंने फिर से इसके अंदर क्या किया, डेटा राइट कर दिया है, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, पहले आपने रीड आर प्लस मोड में ओपन किया, तो आपका डेटा रीड हो गया, राइट। फिर आपने डब्ल्यू प्लस मोड में ओपन किया, तो क्या हुआ, प्रीवियस डेटा डिलीट हो गया, ओके, और यहाँ पे आप कोई भी डेटा रीड नहीं कर पाए। अब मैं क्या करूँगी, रीडिंग फाइल की जगह मैं करूँगी राइट फाइल इन आर प्लस मोड, ठीक है। आर प्लस मोड में हम अपनी फाइल को राइट करेंगे, ओके, तो इसका क्या, अगर आप फाइल को क्या करते हो, आर प्लस मोड में ओपन करते हो और क्या करना चाहते हो, आप फाइल में डेटा राइट करना चाहते हो, तो क्या करता है, आपका डेटा जो प्रीवियस डेटा होता है उसको ओवरराइट कर लेता है, फाइन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं डेटा राइट करूँगी, राइट मैंने यहाँ पे कुछ भी डेटा दे दो, आई एम हेयर टू टीच, ओके, इतना लिख दिया, आई एम हेयर टू टीच, फाइन। अब देखो, पहले हमने क्या किया था, डेटा को रीड किया था, अब हम आर प्लस मोड में डेटा को क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, ओके। तो उसमें पहले से भी, अब इसको हटा दो, अब हम क्या कर रहे हैं, राइट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो एफ डॉट राइट फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, न्यू डेटा यहाँ पे दे दिया है, फाइन। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, एंड देन रन दिस, ओके। नाउ अब आप देखो अपनी फाइल को, ये हमारी फाइल है। अब देखो, यहाँ पे जो आपने डेटा दिया था, आई एम हेयर टू टीच, ये आ गया, और जो जो पहले था वेलकम टू पाइथन, वो क्या हो गया, ओवरराइट हो गया है। आपका प्रोग्रामिंग तो एज इट इज़ है, लेकिन वेलकम टू पाइथन क्या हुआ है, ओवरराइट हो गया है। तो जब आप क्या करते हो, आर प्लस मोड में राइट कराते हो, तो जो भी डेटा आप राइट करा रहे हो, वो प्रीवियस डेटा को क्या करता है, ओवरराइट कर देता है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप इस रिजल्ट में देखो, यहाँ पे आई एम हेयर टू टीच, तो आपका आपने न्यू डेटा क्या किया है, एंटर कराया है, और प्रोग्रामिंग क्या है, आपका प्रीवियस डेटा है। ओके, आई एम हेयर टू टीच ने क्या किया है, जो प्रीवियस डेटा था उसको ओवरराइट कर दिया है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको कर दो। अब हम राइट कराएंगे किस में, डब्लू प्लस मोड में, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं डब्लू डब्लू प्लस मोड, और यहाँ पे भी ले लेते हैं डब्लू प्लस मोड। ओके, सिंपल। अब जब आप डब्लू प्लस मोड में क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो फाइल को, तो क्या होगा, प्रीवियस डेटा कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा और आपका न्यू डेटा क्या होगा, राइट हो जाएगा। इसको आप रन कर दो, सेव करके रन। ओके, अब देखना चेंज क्या होगा, चेंज मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो आई एम हेयर टू टीच आया है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग नहीं आया है, प्रीवियस डेटा आपका क्या हुआ है, डिलीट हो गया कम्प्लीटली, आपका न्यू डेटा यहाँ पर आ गया है, क्योंकि डब्लू प्लस मोड में क्या होता है, आपका प्रीवियस डेटा क्या होता है, डिलीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ओपनिंग फाइल इन आर प्लस मोड वेन इट इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आप क्या करोगे, फाइल को ओपन करोगे आर प्लस मोड में, यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं ओपनिंग फाइल इन आर प्लस मोड, आर प्लस मोड। ओके, व्हेन व्हेन इट इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले सैंपल वाली फाइल जो हमारी ये है, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं। इसको हमने कर दिया डिलीट, फाइन, सैंपल वाली फाइल को हमने डिलीट कर दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे आर प्लस मोड में, आर प्लस मोड में इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सेव कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम सैंपल डॉट टी एक्स टी फाइल को डिलीट कर चुके हैं। अगर आप आर प्लस मोड में उस फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या होगा, आपकी एरर आती है, फाइल नॉट फाउंड। ओके, जो मैं आपको अभी शो करती हूँ, देखो अब हमने इसको रन किया तो आपके पास क्या आ गई, फाइल नॉट फाउंड एरर आ गई है यहाँ पर। ओके, क्योंकि आपकी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फाइन। बट अगर आप क्या करते हो, आप अपनी फाइल को W प्लस मोड में क्या करते हो, ओपन करते हो, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप W प्लस मोड में ओपन करते हो तो उस नेम की एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे तो मैंने उसमें डेटा भी दे दिया, आई एम हेयर टू टीच, तो उसके अंदर डेटा भी आ जाएगा, फाइन। तो इसको आप सेव करोगे एंड देन रन दिस F5। ओके, अब हम देखते हैं क्या हमारी फाइल आ गई है सेम नेम से बनके। तो देखो हमारी सैंपल फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, फाइन। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो उसमें डेटा भी है। ओके, तो यहाँ पे आर प्लस मोड में आपने क्या किया, फाइल को क्या हुआ है, फाइल क्रिएट हो गई है। ओके, और उसमें आपका डेटा भी आ गया है, फाइन। सो तो अब यहाँ पे आप क्या कंक्लूजन लोगे कि आपको कौन सा मोड यूज़ करना चाहिए, ओके, जब आप फाइल ओपन कर रहे हो, व्हाट शुड यू यूज़, ओके। इफ़ यू डोंट वांट टू रीड द कंटेंट फ्रॉम द फाइल, अगर आप फाइल का प्रीवियस कंटेंट रीड नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यूज़ डब्ल्यू प्लस मोड फॉर ओपनिंग द फाइल। तो आप डब्ल्यू प्लस मोड को ओपन करोगे फाइल को ओपन करने के लिए, राइट। जब आप डब्ल्यू प्लस मोड में ओपन करोगे तो क्या होगा, प्रीवियस कंटेंट इसका डिलीट हो जाएगा, फाइन। नाउ इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट डजेंट एग्जिस्ट, यूज डब्ल्यू प्लस मोड फॉर ओपनिंग द फाइल, अदरवाइज यूज आर प्लस मोड। अगर आप चाहते हो कि आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाए, ओके, आप तो आप क्या करोगे, फाइल को किस मोड में ओपन करोगे, डब्ल्यू, और आपकी वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, पर आप चाहते हो कि वो आपकी फाइल क्रिएट हो जाए, तो आप अपनी फाइल को ओपन करो डब्ल्यू प्लस मोड में, इससे क्या होगा, आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, और अगर आप न्यू फाइल क्रिएट नहीं करना चाहते हो, सिंपली आपके पास फाइल है, आप उसको रीड करना चाहते हो, तो आप उसको आर प्लस मोड में ओपन कर सकते हो। ओके, इफ़ यू ओनली वांट टू परफॉर्म रीडिंग ऑपरेशन, इट इज़ रिकमेंडेड टू ओपन अ फाइल इन आर प्लस मोड। अगर आप फाइल को सिर्फ रीडिंग के लिए ओपन करना चाहते हो, तो आपको फाइल को आर प्लस मोड में ही ओपन करना चाहिए। ओके, तो ये हमारा कंक्लूजन है कि कहाँ पे आप आर प्लस मोड को यूज़ करोगे और कहाँ पे आप डब्ल्यू प्लस मोड को यूज़ करोगे। ओके ओके एवरीवन, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।